शांति से जुड़े ड्रग मामले में एक और बड़ा खुलासा। पावना डैम के टापू पर होती थी नशे की पार्टी। एनसीबी के सामने जगदीश गोपीनाथ दास ने दिया बयान। 2018 में अब्बास अली के साथ आए थे सुशांत सिंह राजपूत। बयान में कहा सुशांत सिंह के साथ आती थी रिया, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर। सुशांत के साथ आने वाली टीम में होते थे कुछ और लोग, सिद्धार्थ पिछानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक जैत का भी लिया नाम। एनसीबी के मुताबिक रिया ने भी अपने बयान में सारा अली खान, सिमोन खंबाटा, रकुल का लिया है नाम। भेजा जा सकता है समन। सुशांत रिया ड्रग्स केस में एक और खुलासा। एनसीबी के मुताबिक मारिजुआना, एमडीएमए के साथ कोकीन का भी नशा करते थे आरोपी। रिया से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन की जांच में जुटी एनसीबी ने एक और ड्रग्स पेडलर को किया गिरफ्तार। क्रिस कॉस्टा नाम के ड्रग पेडलर की गोवा से हुई गिरफ्तारी। एनसीबी आज ड्रग पेडलर क्रिस कॉस्टा को मुंबई लाकर अदालत में पेश करेगी। कर्नाटक में गिरफ्तार अभिनेत्री रागिनी को बेंगलुरु सेंट्रल जेल भेजा गया। सैंडलवुड ड्रग केस में हुई है गिरफ्तारी। रागिनी की जमानत याचिका पर बुधवार को होगी सुनवाई। बख्तरबंद गाड़ी में बैठी रागिनी मीडिया के सवालों पर जोड़े हाथ। कल संसद में उठा था बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन का मुद्दा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा तह तक हो जांच। देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों का की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में एनसीबी का छापा। नशे का सामान और कुछ दवाएं बरामद। एनसीबी के रेड में सुशांत के फार्म हाउस में ड्रग पार्टी होने का खुलासा। सीसीटीवी की डीवीआर भी जब्त। ड्रग चार के लिए मां के नाम का मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करती थी रिया। एनसीबी का बड़ा खुलासा। 23 सितंबर तक न्याय हिरासत में भेजा गया ड्रग पेंडर अनुज केशवानी। वकील का दावा एनसीबी को नहीं मिला रिया शौविक से कोई कनेक्शन। 16 सितंबर तक एनसीबी कस्टडी में है ड्रग केस के तीन आरोपी केजे फर्नांडिस और अंकुश अनेजा। शौविक से मिला है कनेक्शन। ड्रग केस में गिरफ्तार तीन आरोपी संकेत पटेल, संदीप गुप्ता और आफताब अंसारी पर शिकंजा। 23 सितंबर तक न्याय हिरासत। एनसीबी की हिरासत में पहुंचा शौविक का दोस्त सूर्यदीप। कई ड्रग पेडलर से रिश्तों का खुलासा। सुशांत ड्रग केस में लगातार कस रहा है एनसीबी का शिकंजा। अब तक 17 लोग गिरफ्तार। ईडी की टीम एक फिल्म निर्माता से भी कर सकती है पूछताछ। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में देंगे बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख में एलएसी को लेकर चीन से विवाद पर दोपहर 3 बजे देंगे बयान। राजनाथ ने हाल ही में मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग से की थी मुलाकात। चीन से सीमा विवाद के बीच मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन के विदेश मंत्री से की थी मुलाकात। संसद में इस बातचीत का दिया जा सकता है ब्यौरा। भारत चीन के बीच गतिरोध पर विपक्षी पार्टियां लगातार सदन में कर रही है चर्चा की मांग। बीएसई की बैठक में भी उठाया था मुद्दा। चीन से सीमा विवाद के साथ ही कोरोना खस्ता हाल, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर भी सदन में चर्चा चाहता है विपक्ष, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने अभी नहीं तय किया है चर्चा का वक्त। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक मॉनसून सत्र किसानों के लिए वरदान साबित। किसानों के हित में पास हो सकते हैं कई बिल। मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि अब ओला उबर की तर्ज पर किसानों को ऐप से मिलेगी मालवाहक गाड़ियां। किसानों के आत्मनिर्भर होने पर ही पूरा होगा पीएम नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना। केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1:30 बजे होगी बैठक। लद्दाख में सीमा विवाद के बीच नागरिकों में दिखा जोश। सेना में भर्ती के लिए तैयार दिखे युवा। चीन से करना चाहते हैं दो दो हाथ। देश की सुरक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है लेह की लड़कियां। नर्सिंग सेवा और खाना बनाने पहुंचाने की मदद के लिए दिखी तैयार। भारत और चीन के बीच सरहद पर बढ़ते टकराव के बीच शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जव्वाद ने पीएम मोदी को लिखा खत। कहा अगर होती है जंग तो शिया मुसलमान कुर्बानी देने को है तैयार। कलवे जव्वाद ने खत में किया जिक्र करगिल युद्ध में शिया मुसलमानों ने सेना का दिया था साथ। ले और लद्दाख के शिया भी चीन के खिलाफ मोर्चा संभालने को है तैयार। झारखंड में एक पूर्व उग्रवादी को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। मृतक रह चुका था पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया का सदस्य। अलीगढ़ में अतिक्रमण की जद में आया बीजेपी नेता मानव महाजन का होटल। नगर निगम पर लाल फीताशाही का लगाया आरोप। कहा स्मार्ट सिटी की ओट में मचा रही है तोड़फोड़। शामली में दबंगों की दबंगई से परेशान होकर एक ब्राह्मण परिवार ने किया पलायन। पीड़ित की 17 बीघा जमीन पर है दबंगों का कब्जा।
5 दिन मुंबई में रहने के बाद हिमाचल पहुंची कंगना रनौत, कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची मनाली। मनाली पहुंचते ही कंगना ने उद्धव सरकार को घेरा, कहा आदित्य ठाकरे का मूवी और ड्रग माफिया के साथ उठना बैठना, इसलिए हो रही परेशान। मुंबई से लेकर हिमाचल तक शिवसेना पर हमला करती रही कंगना, पीओके वाले बयान को बताया सही। कंगना के मुद्दे को लेकर हिमाचल के सीएम ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना, बोले हिमाचल की बेटी को प्रताड़ित किया। जिस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता था, परेशान किया जा सकता था, उनके ऊपर मामले दर्ज करने की बातें, उनका घर तोड़ने की बातें, ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के। देश में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा नए मामले, 48 लाख के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। 24 घंटे में कोरोना से गई 1136 लोगों की जान, मरने वालों की तादाद 80,000 के करीब। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना 22,500 नए मामले, 1,60,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। यूपी में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए मामले, 3,12,000 से ज्यादा हुई मरीजों की कुल संख्या। दिल्ली में लगातार बढ़ा है कोरोना का केस, 24 घंटे में 2400 से ज्यादा नए मामले, अब तक 2,18,000 मरीज। कोरोना पॉजिटिव हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, ट्वीट करके दी जानकारी, खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली में शर्तों के साथ कल से खुल गए जिम, कोरोना की वजह से पिछले 5 महीने से तालाबंदी। दिल्ली में विधानसभा का एक दिन का स्पेशल सत्र, विपक्ष ने की सेशन को 5 दिनों तक बढ़ाने की मांग। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नाप के एक विधायक ने की इस्तीफे की पेशकश, पुलिस के चालान से थे नाराज, अध्यक्ष ने लौटाया इस्तीफा। चुनाव आयोग की टीम ने बिहार में डाला डेरा, तैयारियों को लेकर मुजफ्फरपुर से पटना तक समीक्षा बैठक। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही फिर उठी बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई की मांग, करणी सेना ने समर्थन में निकाला मशाल जुलूस। आनंद मोहन के समर्थन में निकाले गए जुलूस में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, प्रशासन रहा खामोश। मंदसौर में मंत्री हरदीप सिंह डंग का उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में जमकर हुआ विरोध, उपचुनाव प्रचार में पहुंचे मंत्री के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। कांग्रेस छोड़कर शिवराज सरकार में मंत्री बने हैं हरदीप सिंह डंग, पूर्व सहयोगियों ने किया सवाल, कल फिर पार्टी बदलेंगे तो हम सब क्या करेंगे। आज ग्वालियर में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह करेंगे प्रचार, भारतीय जनता युवा मोर्चा विरोध में चलाएगा झूठ बोले कौवा काटे अभियान। रीवा में दर्दनाक हादसा, क्योटी झरना देखने पहुंचे 6 युवकों की डूबने से मौत। प्रयागराज से पिकनिक पर रीवा आए थे सभी युवक, मृतक 6 युवकों में 4 के शव बरामद, 2 की तलाश जारी है। गोपालगंज में गंडक नदी के सैलाब का कहर, एक स्कूल का शौचालय ढहकर नदी में समाया। कटाव से गंडक नदी में समाया पूरा मजरिया गांव, पीड़ितों ने एक स्कूल में ली शरण, खाने पीने की दिक्कत। भारी बारिश के बाद पानी पानी हुआ गुवाहाटी, सड़कों पर समंदर जैसे मंजर, निकास नहीं होने से दिखा जल भरा। मुरादाबाद में ढेरा नदी पर बना पुल मरम्मत के लिए बंद किया गया, मची अफरा तफरी, नदी पार कर लोगों ने दूसरी ओर जाने का उठाया जोखिम। बैलगाड़ियों पर बाइक लाद कर लोगों ने ढेला नदी पार करने की कोशिश की, इस दौरान कई ट्रैक्टर नदी में फंसे नजर आए। झुंझुनू में पंजाब पुलिस ने हत्या और लूट के 2 आरोपियों को दबोचा, साथी फरार, पठानकोट में लूटपाट के दौरान क्रिकेटर सुरेश रैना के 2 रिश्तेदारों के हत्याकारों। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने हाईवे पेट्रोलिंग को दिखाई हरी झंडी, दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए 15 वाहनों की तैनाती। प्रयागराज में छात्रों ने उठाया प्रतियोगी छात्र की खुदकुशी का मुद्दा, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। अरब सागर में तैनात भारतीय जंगी जहाज आईएनएस तलवार ने ली अमेरिकी मदद, अमेरिकी नौसेना के टैंकर से लिया ईंधन, 2016 में भारत अमेरिका के बीच रक्षा करार का मिला लाभ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 18 साल बाद जीरो लाइन के पास खेती की मिली छूट, डिप्टी कमिश्नर की बीएसएफ के साथ मिलकर बनी रणनीति, अक्टूबर से फसल उगा सकेंगे किसान। अलीगढ़ में चौकीदारों ने वेतन बढ़ाने की मांग की, सीएम योगी को लिखा खत। अब मणिपुर में भी हो सकेगा कैंसर का इलाज, पहले कैंसर अस्पताल बबीना स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। कोलकाता में बीएसएनएल कर्मचारियों ने दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, पिछले साल से अब तक नहीं मिला है वेतन। 17 सितंबर को 70 साल के हो जाएंगे पीएम मोदी, सूरत में इस अवसर पर 70,000 पौधारोपण की तैयारियां, लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के लिए मुफ्त बांटे गए पौधे। नागालैंड के दीमापुर में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है मशरूम का उत्पादन, डॉक्टर सोशांग लोगों को दे रहे हैं मशरूम खेती की आधुनिक जानकारी, अच्छी हो रही पैदावार।
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक मरीज तक लंग्स पहुंचाने में की मदद, बचाई जा सके जिंदगी। अब तक 8 बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हैदराबाद में मानवन सप्लाई किया गया। ग्रेटर नोएडा की दादरी कोतवाली में बाथरूम में मिला बर्खास्त सिपाही का शव, घर से यह कहकर निकला था कि मित्रों से मिलने जा रहा हूं। जेल से जिस्म फरोशी का ऑनलाइन रैकेट चला रहे सोनू पंजाबन, स्पा सेंटर का लिया जा रहा सहारा, भाई समेत दो गिरफ्तार। दिल्ली दंगा केस में आरोपी उमर खालिद के मामले में सुनवाई पूरी, अदालत ने 10 दिन के पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को यूएपीए एक्ट के तहत किया गया है गिरफ्तार, 3 छात्राओं के बयान पर पुलिस ने लिया था एक्शन। दिल्ली दंगा मामले में 2 दिनों के भीतर साजिश के एंगल से चार्जशीट जारी करेगी दिल्ली पुलिस, मुख्य किरदारों समेत फंडिंग का होगा खुलासा। काला हिरण शिकार मामले में बढ़ सकती है सलमान खान की मुश्किलें, 28 सितंबर को पेशी के लिए जोधपुर की जिला अदालत ने जारी किया आदेश। केदारनाथ आपदा का शिकार हुए लोगों के कंकालों की दोबारा से होगी खोज, 16 सितंबर से 10 ट्रैकिंग रूटों पर शुरू होगा सर्च ऑपरेशन। हरियाणा के पलवल में मुफ्त के जूस को लेकर उपद्रव, गुंडों ने एक जूस विक्रेता को बुरी तरह से पीटा, दुकान में लाठी डंडे और तलवार लेकर घुसे थे 7 से 8 लड़के। लात घुसे लाठी डंडे से देर तक जूस विक्रेता को पीटते रहे गुंडे, गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने मुफ्त में जूस पिलाने से इनकार किया था, जाते जाते गुंडे धमकी भी दे गए। जाते भी वो बोल के गए कि अगर कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश की ना तो सीधी गोली मार देंगे, और जाते जाते भी वो बोल के गए कि अगर कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश की ना तो सीधी गोली मार देंगे। वाराणसी के शीतलदास अखाड़ा परिसर में अखाड़ा प्रबंधक और किरायेदारों के बीच हुई मारपीट, 6 आरोपी गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता कृष्णा मंडल को पीटा, पैर में हुआ फ्रैक्चर, गंभीर रूप से हुई घायल। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से हड़कंप, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। जम्मू कश्मीर में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, करोड़ों रुपए के हेरोइन के साथ रजौरी में गिरफ्तार। कश्मीर में काम आए सुरक्षा बलों की सतर्कता, बारामूला में वक्त रहते आईडी बरामद, जवानों ने डिफ्यूज किया विस्फोटक। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किए गए ड्रोन, रोड को नुकसान पहुंचाने आए नक्सलियों की तस्वीरें कैद। यूपी के शाहजहांपुर में बीच चौराहे पर युवक की लाठी डंडों से पिटाई, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। फिरोजपुर में हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से एक की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही से लोग नाराज। पंजाब की लुधियाना में 2 पुलिस वाले सस्पेंड, टमाटर चोरी के आरोप में कार्रवाई, सीसीटीवी में कैद हुई थी पुलिस वालों की चोरी। मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, देसी कट्टे और कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के खयाला में डबल मर्डर से सनसनी, 2 युवकों की चाकू से गोदकर हत्या। यूपी के आजमगढ़ में सामने आया हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, पुलिस ने मां बाप समेत 3 को भेजा जेल। कोरोना के असर से 2.25 करोड़ छोटे कारोबार बंद होने की आशंका, व्यापारी संगठनों ने किया दावा। 4th phase में दिल्ली मेट्रो को हाईटेक बनाने की तैयारी, वन नेशन वन कार्ड चलेगा और मोबाइल फोन से भी होगी एंट्री। अब फ्लाइट में भी ले सकेंगे सेल्फी और बना सकते हैं वीडियो, डीजीसीए ने कुछ शर्तों के साथ दी मंजूरी। होंडा की कारों पर मिल रहा है बम्पर डिस्काउंट, कंपनी ने अपनी कारों पर दिया 2.5 लाख तक की छूट का ऑफर। टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने की रेस में बाजी मार सकती है ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफर को व्हाट डांस ने किया खारिज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।